अलवर उत्सव का शानदार आगाज रविवार को हो गया। इस दौरान सिलिसेट झील के मध्य हुए लोक संस्कृति आधारित कार्यक्रमों सहित शहर में शोभा यात्रा, हेरिटेज वॉक और धरोहर प्रदर्शनी सहित अन्य आयोजन संपन्न हुए। आइए आपको दिखाते इन कार्यक्रमों की झलक। अलवर सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध है और इसी का उदाहरण पेश करता है अलवर उत्सव। दो दिवसीय इस उत्सव के तहत यूं तो अनेक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं वह कार्यक्रम जिसमें नयापन था और रोमांच भी। सिलिसेट में झील के बीच तैरते हुए स्टेज पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर प्रदेश भर से आए लोक कलाकारों ने रंग जमाया। जोधपुर की सपेरा डांसर चंदा ने पलक से अंगूठी उठाने और सुशीला और धन्नो ने नोट उठाने का प्रदर्शन किया। इसके अलावा अन्य प्रस्तुतियां भी शानदार रही। इस
मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों में विधायक टीकाराम जूली, बीज निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर, जिला प्रमुख साफिया खान, कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा, प्रदीप सिंह और डॉक्टर एस सी मित्तल शामिल थे। इसके अलावा जिला कलेक्टर आशुतोष शेट्टी पेड़कर, एडीएम नारायण सिंह और दीपक नंदी, एसडीएम प्रतिभा पारस, अनुपम जोरवाल और आयोजन से जुड़े दूनी माँ कंपनी के सुमेर सिंह आदि मौजूद रहे। उनका कहना था कि यहाँ हुए आयोजन में इस विख्यात स्थल पर पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बहुत शानदार शुरुआत है और इसको और वृहद रूप से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी विरासत और कल्चर को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और मेरे साथ ये फ्रांस से आए हुए पर्यटक हैं जो मेरे होटल पे रुक रहे थे। मैं इनको स्पेशली ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी फैली हुई, कितनी विकसित और कितनी सुदृढ़ रही है, और हम सबको इसके लिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी का समय है। It's very nice day. The dances were very interesting. Made us discover a new side of India. Was very fascinating. We need to thank this region for all of this. It's the first time for us, and we really appreciated the wild nature of this area of India. First time for us, really, really nice. आज अलवर उत्सव का जो आयोजन है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर आयोजन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलीसेड में इस तरह झील के बीचों बीच बढ़िया राजस्थानी कला का प्रदर्शन हुआ, और नए नए कार्यक्रम अलवर उत्सव में जो इस बार देखने को हमें मिले हैं, अलवर के लिए बड़ी शान की बात है कि हम सब इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सब लोग इसमें शामिल हों। अलवर उत्सव निश्चित रूप से हमारा उत्सव है और हमें सबको इसमें भागीदारी निश्चित रूप से ज़्यादा अपनी भागीदारी होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ अलवर उत्सव हो रहा है, इसको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी का माहौल है। चारों तरफ से लोग जो है हमारे इस उत्सव को देखने के लिए आ रहे हैं। इस उत्सव के दौरान जो लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बहुत सारे लोग हैं जो इनको आम मौक़ों पर देख नहीं पाते, आज उन सबको देखने का एक मौका हम सबको मिला है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख के लाभान्वित होंगे और अपनी लोक कलाओं के बारे में जानेंगे। प्रोग्राम अच्छा हो गया, यहाँ पर कल्चरल शो था, जिसमें फर्स्ट टाइम था जब अलवर में ऐसा सिलीसेड में लेक के बीच में पॉन्टून्स पर हमने प्रोग्राम कराया है। तो ये बस की लिमिटेशंस थी कि एक टाइम लिमिट करना था, अदरवाइज जैसा आप देख रहे हैं उधर बहुत से लोग हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, वो सब इधर आके और देखना चाह रहे हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इसको अभी हमें बंद करना पड़ा। बहुत बहुत इसमें सब लोग आगे बढ़ के आए, वॉलंटियर किया, और रिफ्रेशमेंट्स हों, अरेंजमेंट्स हों, सब लोगों ने बहुत विलिंगली इस चीज़ में कोऑपरेट किया और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। हाँ, इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने पहले से ही ऐसा मान लिया था कि एक इनोवेटिव हमारा स्टेप होगा ये, कि पानी में तैरते हुए पॉन्टून पर इस तरह की प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, और ये प्रयास सफल रहा। काफ़ी अच्छी रंगारंग प्रस्तुतियाँ रही और लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। आज का जो कार्यक्रम था, एक कलेक्टर साहब के सोच थी उनकी, और उसके कारण से आपने देखा कि अलवर में पहली बार एक नया कार्यक्रम जो पानी के बीच में इस तरह पॉन्टून पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, जनता की भागीदारी देखिए, कितने लोग महल पे खड़े हैं, सिली सेट से देख रहे हैं, सारा निःशुल्क किया है, आना ले जाना, उनको नाश्ता भी यहाँ करवाया गया, उनको बहुत अच्छा रहा। मतलब जिसकी कहते हैं ना अलवर का एक ऐतिहासिक उपलब्धि, इसको कहें तो ज़्यादा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके लिए डीएम साहब को, मतलब उनकी सोच के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा और उनको साधुवाद भी। पहले तो मैं अलवर पब्लिक को और अलवर एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखवाया, और इसका इनॉग्रेशन अभी बाकी है, यह तो एक जस्ट ट्रायल था। और अभी करीब आप देख रहे हैं 150 आदमी इसके ऊपर थे, पंटून के ऊपर थे, और 30-30 आदमी इसके ऊपर थे। इसके और चार चांद लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता चाहिए, जो मिल नहीं रही है, और कुछ फैसिलिटीज होना चाहिए, ऊपर वो है नहीं। तो हमारी शिकायत ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे तो पूरा इसको यूरोप बना देंगे हम। 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हम तैयार है इस ब्यूटिफिकेशन के लिए। प्रोवाइडेड वी गेट ए फ्री लिबर्टी, फ्री हैंड एंड टू ऑर्गेनाइज आवर ओन सिस्टम एंड क्रिएट द बेस्ट फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड विच यू विल गेट इन अलवर। तो पहली बार पानी के बीच में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना, एक काफ़ी एक्साइटमेंट था आम पब्लिक में भी, प्रशासन में भी, कलाकारों में भी। जो कलाकार बाहर से आए हैं वो स्पेशली एक्साइटेड थे, वो सोच रहे थे कि किस तरह से पानी पे डांस होगा, मगर करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो एक आम स्टेज, मतलब अच्छे तरह से हुआ है और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है ये।
का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर के प्रसिद्ध सिलिसेट झील में आज नौका दौड़ का आयोजन किया गया और झील के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक संगीत और लोक कलाकारों का नृत्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर की काफ़ी अच्छी सहभागिता रही। वहीं झील के बीचों बीच लोगों को ले जाने के लिए निशुल्क नौकाओं की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम दिखाने के लिए प्रत्येक ग्रुप को 10 मिनट का समय दिया गया। इसके अलावा लेक पैलेस होटल से भी लोगों ने इस आकर्षण को देखा।